एक सुंदर राजकुमारी जिसकी शादी एक बहुत ही सुंदर प्रिंस से होती है जो कि अरबों की दौलत का मालिक था। और राजकुमारी को भी वो राजकुमार पहली ही नजर में पसंद आ गया था, पर असल में उस राजकुमार ने राजकुमारी से शादी करी थी ताकि वो अपना बरसों पुराना एक कर्जा उतार सके, और उसी कर्जे को उतारने के लिए वो राजकुमारी की बलि चढ़ा देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक राजा के साथ जो कि अपने काफी सारे सिपाहियों के साथ एक गुफा में पहुंचता है जहां पर वो एक जानवर को मारने के लिए आया हुआ था। लेकिन जब वो जानवर इन लोगों के सामने आता है तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो एक ड्रैगन है और राजा उसको मारना चाहता था, इसीलिए ड्रैगन भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और कुछ ही समय में वो ड्रैगन यहाँ पर मौजूद हर एक सिपाही को आग से जलाकर मार देता है, और राजा भी इस चीज को देखकर समझ गया था कि शायद वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला, इसीलिए डर के मारे वो भी अपने हथियार डाल देता है और वो ड्रैगन भी इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होकर कुछ सेंचुरीज आगे पहुंच जाता है जहां पर हम लोग एक राजकुमारी एलोडी को देख पाते हैं जो कि जंगल में अपनी बहन फ्लोरा के साथ लकड़ियां काटने के लिए आई थी। और अब यहां पर हो रही इन लोगों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि असल में इनका राज्य बहुत ज्यादा गरीब हो चुका है और साथ ही यहां पर लोग भूख के मारे भी मर रहे हैं। और अब ये लोग सोच ही रहे थे कि अपने पिता की मदद कैसे करी जाए, तभी अचानक से ही इन लोगों की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि सीधा इनके महल की तरफ जा रही थी। जो चीज देखने के बाद एलोडी जमा करी गई लकड़ियों को उठाकर तुरंत ही अपने गांव की तरफ जाने लगती है, जहां पर पहुंचते ही सबसे पहले वो सारी लकड़ियां गरीबों में बंटवा देती है और उसके बाद अपने महल में पहुंच जाती है। और अब जब एलोडी अपने महल में पहुंचती है तो यहां पर इसके मम्मी पापा एक औरत से बात कर रहे थे जो कि असल में उसी शाही गाड़ी में बैठ कर आई थी जिसको अभी कुछ समय पहले फ्लोरिया और साथ ही इसने जाते हुए देखा था। असल में वो लोग एक बहुत अमीर गांव से आए थे और चाहते थे कि एलोडी उनके प्रिंस से शादी कर ले, जिसके बदले में वो एलोडी के पिता को बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ ही बहुत सारा सोना देने के लिए तैयार थे। अब जब वो लोग चले जाते हैं तो एलोडी अपने पिता से बात करती हुई उन्हें बताने लगती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर क्योंकि राज्य को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी एलोडी इस चीज के लिए मान जाती है। पर उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि जिस घर में वो जाने वाली है वो एक बहुत बड़ा घर है। और यहाँ पर हमें एलोडी के एक और सपने के बारे में पता चलता है कि असल में वो पूरी दुनिया को घूमना चाहती है, और क्योंकि शादी के बाद वो ये सब कर सकती थी इसीलिए भी वो मान जाती है। और क्योंकि राजा एरिक को भी इस बात का अंदाजा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी जवाब देना होगा, इसीलिए अगले ही दिन वो अपने पति और साथ ही दोनों बच्चियों के साथ निकल जाते हैं उस टापू की तरफ जहाँ पर वो राज्य बसा हुआ था। और तब हमें रास्ते में पता चलता है कि असल में एलोडी की असली माँ की मौत हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उनकी सौतेली माँ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अब ये लोग टापू की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से ही चारों तरफ कोहरा छा जाता है, और जब ये लोग उस कोहरे के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर इन्हें दो मूर्तियां दिखती हैं जो कि असल में ड्रैगन की थी और वो उसी टापू का एंट्रेंस डोर था। जो चीज देखने के बाद ये लोग सच में काफी ज्यादा शौक होते हैं। अब जब ये लोग टापू के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ का नजारा इनके राज्य के नजारे से बहुत ज्यादा अच्छा था, और इसी बात से राजा एरिक भी बहुत ज्यादा खुश थे कि आगे चलकर इनकी बेटी इतने बड़े राज्य की महारानी बनेगी। और अब जब ये लोग महल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर इतना बड़ा महल देखने के बाद एलोडी और साथी फ्लोरिया काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, पर अभी के लिए इन लोगों को आराम करने के लिए बोला जाता है क्योंकि प्रिंस अगले दिन एलोडी और साथी उसके परिवार से मिलने वाले थे। इसीलिए जब एलोडी अपने कमरे में आराम कर रही थी तभी अचानक से ही वो बालकनी में चली जाती है और वापस से वो राज्य के नजारे को देख रही थी। तब एलोडी की नजर नीचे पड़ती है जहां पर एक राजकुमारी अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। जैसे ही एलोडी उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करती है वैसे ही वो राजकुमारी घबराती हुई अंदर चली जाती है, पर ये हरकत देखकर एलोडी को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी के टाइम पर ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब जब ये रात में बैठकर अपने रूम में पजल बना रही थी तभी अचानक से ये एक बार फिर से बालकनी में जाती है जहां पर से जब इसकी नजर दूर एक गुफा पर पड़ती है तो वहां पर कुछ हलचल हो रही थी, साथ ही उस गुफा में आग भी जल रही थी जैसे वहां पर कोई मौजूद हो। पर अभी के टाइम पर एलोडी इस चीज पर भी ध्यान नहीं देती और जाकर अपने रूम में सोने की तैयारी करने लगती है, और इतने में ही यहाँ पर फ्लोरिया भी पहुंच जाती है जिसको अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए एलोडी आज उसको अपने पास ही सुला लेती है। और अगले दिन हम लोग इसके पूरे परिवार को दूसरे परिवार से मिलते हुए देख पाते हैं। अब वहाँ की रानी जब एलोडी को वहाँ के प्रिंस हेनरी से मिलवाती है तो पहले तो एलोडी काफी ज्यादा खुश हुई थी, पर अभी के टाइम पर हम लोग हेनरी के चेहरे पर देख पाते हैं कि उसे इस बात से ज्यादा खुशी नहीं हो रही। और तब इन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सके, इसीलिए अब ये दोनों बाहर चले जाते हैं। और अब हम लोग राजा एरिक को देख पाते हैं जिससे यहाँ की रानी बात करना चाहती थी ताकि वो अगले ही दिन प्रिंस और साथी एलोडी की शादी को करवा सके। अब आगे हम लोग हेनरी और साथी एलोडी को देख पाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, और यहाँ पर बातें करने के दौरान ही एलोडी इसको बता देती है कि असल में वो पैसों की वजह से ही हेनरी से शादी कर रही है, जिस पर हेनरी इसको बताता है कि अभी के टाइम पर वो खुद भी इस शादी से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी के टाइम पर वो किसी से भी शादी करे,
पर जैसे जैसे इन दोनों में बातें होने लगती है वैसे ही ये दोनों एक दूसरे को सच में पसंद कर लेते हैं और अब ये लोग घुड़सवारी करने के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ हम लोग राजा एरिक को देख पाते हैं जो कि गुस्से में रानी के कमरे से बाहर आता है। तब इसकी बीवी इससे पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्या हुआ, पर अभी के टाइम पर राजा एरिक बस इतना बोलता है कि सब कुछ सही है और इन दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तब कारा को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अभी के टाइम पर हम लोग वापस से हेनरी और साथी एलओडी को देख पाते हैं जो कि घुड़सवारी करते हुए पहाड़ों के पास पहुंच गए थे। और तब यहाँ पर एलओडी इसे रात के दृश्य के बारे में बताती है कि इसने पास की ही एक गुफा में आग जलती हुई देखी थी, जिस पर हेनरी इसको बताता है कि असल में वहां पर इन लोगों की एक प्राचीन रस्म होती है और इन लोगों की शादी के बाद भी उस रस्म को कंटिन्यू करा जाएगा, जो चीज जानने के बाद एलओडी को सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कारा को देख पाते हैं जो कि इस राज्य की महारानी से बात करने के लिए आई थी, लेकिन महारानी कारा से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और इसीलिए वो उसको बहुत बुरा भला भी बोल देती है, जो चीज जानने के बाद कारा को समझ में आ जाता है कि ये राज्य बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये चीज जानने के बाद वो तुरंत ही रात में जाकर एलओडी को सब बताने की कोशिश करती है और साथ ही उससे बोलती है कि शायद उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। पर इतने में ही वहां पर एरिक पहुंच गया था जो कि चाहता था कि एलओडी और हेनरी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, इसीलिए अभी के टाइम पर कारा भी अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती। और अगले दिन हम लोग एलओडी को देख पाते हैं जिसकी शादी आज हेनरी के साथ होने वाली थी। तब एलओडी को एक बहू की तरह तैयार करा जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद हेनरी और साथी एलओडी की शादी हो जाती है। और अब हम लोग एलओडी की विदाई को देख पाते हैं जिसमें सबसे पहले ये सभी लोगों से गले मिलती है और उन लोगों को अपना ध्यान रखने को बोलकर हेनरी के साथ यहाँ से चली जाती है। तब किंग एरिक भी अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाते हैं और हम लोग हेनरी और साथी एलओडी को देख पाते हैं क्योंकि उसी गुफा के पास पहुंच गए थे जिसको एलओडी ने उस रात अपने कमरे से देखा था। और जब वहाँ पर एलओडी पहुंचती है तो वहाँ पर उसे राजघराने के सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने पहले से ही मास्क पहने हुए थे, जो चीज देखने के बाद एलओडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तब यहाँ पर हेनरी की माँ एलओडी के सामने आकर एलओडी को एक कहानी सुनाने लगती है कि आज से काफी सेंचुरीज पहले यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनके राज्य में एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। तब राजा अपने कुछ जवाब सिपाहियों के साथ इस गुफा में मॉन्स्टर को मारने के लिए आए, पर वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने सभी लोगों को मार दिया और वो राजा को भी मारने ही वाला था कि तभी राजा ने अपने हथियार डाल दिए। और तब जाकर उस मॉन्स्टर ने राजा की जान के बदले राजा से वादा लिया कि वो अपनी तीन बेटियों को यहाँ पर कुर्बान करेगा, जिस पर राजा भी मान गया। और तब से ही वो लोग अपनी तीन बेटियों को यहाँ पर कुर्बान करते हैं। तब यहाँ पर एलओडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और अभी के टाइम पर हेनरी की माँ भी उसे कुछ भी नहीं बताती। बस वो रसम को पूरा करने के लिए सबसे पहले एलओडी के हाथ में एक सोने का सिक्का देती है, जिसके बाद वो हेनरी के हाथ में एक कट लगाती हुई एलओडी के हाथ में भी एक कट लगा देती है, जिसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का खून मिल गया था। और तब यहाँ पर हेनरी की माँ एलओडी से उस सिक्के को खाई में फेंकवा देती है, जिसके बाद वो हेनरी से एलओडी को गोद में उठाने को बोलती है। और अब इसी तरह से हेनरी को एलओडी को उठाकर अपनी गोद में घर लेकर जाना था, पर जैसे ही वो एलओडी को उठाता है वैसे ही वो उसे भी खाई से नीचे फेंक देता है। तब एलओडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काफी सारे पेड़ पौधों से टकराती हुई नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब जब एलओडी की आंख खुलती है तो वो ऊपर की तरफ देखकर मदद मांगने की कोशिश करने लगती है, पर सभी लोग तब तक वहां से जा चुके थे। पर अभी के टाइम पर एलओडी की आवाज की वजह से यहाँ पर रुके हुए मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है और वो एलओडी को ढूंढने लगता है। वहीं एलओडी की अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से ही उसे पास में आग जलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही ये वहां पर पहुंचती है वैसे ही अचानक से इसके सामने काफी सारे पंछी आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से जल रहे थे, जिसके बाद वो सभी के सभी पंछी इसके सामने ही जान से मारे जाते हैं, जो चीज देखने के बाद एलओडी सच में काफी ज्यादा डर गई थी। इतने में ही इसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है जो कि इसको जान से मारने वाला था। तब एलओडी उससे बचने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो ड्रैगन एलओडी से उसका नाम पूछता है और उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर मुझे तुम्हारे अंदर से शाही खून की बदबू आ रही है। जो चीज सुनने के बाद जब एलओडी अपने हाथ की तरफ देखती है तब जाकर उसे समझ में आता है कि असल में हेनरी की माँ ने हेनरी के हाथ में और साथ ही एलओडी के हाथ में कट क्यों लगाया था। और तब यहाँ पर वो ड्रैगन अपनी आंख की मदद से एलओडी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो चीज देखने के बाद एलओडी सच में काफी ज्यादा घबरा गई थी। पर अभी के टाइम पर वो पास में बनी सुरंगों में चली जाती है, पर वहां पर पहुंचने के बावजूद भी एलओडी पूरी तरह से उस आग से नहीं बच पाई थी। अभी के टाइम पर भी आग की वजह से उसका पैर पूरी तरह से जल चुका था, जिस वजह से एलओडी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तब यहां पर इसे उस लड़की की लाश दिखती है जिसको दो दिन पहले इसने अपनी खिड़की से देखा था, जो चीज देखने के बाद ये और ज्यादा डर जाती है। पर अभी के टाइम पर एलओडी को अपनी जान किसी तरह से बचानी थी, इसीलिए वो सबसे पहले अपने पैर पर कपड़ा बांधती है और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब एलओडी चलती हुई एक खाई के पास पहुंच गई थी जिसके दूसरी तरफ से नीली रोशनी आ रही होती है और उसको देखने के बाद एलओडी हिम्मत करती हुई उस खाई में छलांग लगा देती है,
पर इसकी किस्मत अच्छी होने के कारण ये खाई की दूसरी तरफ बहुत आराम से पहुंच गई थी। जहां पर पहुंचने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो वहां पर मौजूद था एक बहुत बड़ा पेड़ जिसपे कुछ वॉर्म्स लगे हुए थे जिनके अंदर से ही वो नीली रोशनी आ रही थी। और अभी के टाइम पर क्योंकि एलोडी के पास कोई भी मशाल मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो उन्हीं कीड़ों को एक कपड़े में बांध लेती है ताकि वो उनकी मदद से आगे का रास्ता देख सके। और तब यहाँ पर एलोडी की नजर एक बर्फ पर पड़ती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा था, इसीलिए एलोडी वहाँ पर जाकर पानी को पीने की कोशिश करने लगती है। पर यहाँ पर वो पानी पी रही थी और ऊपर से वो ड्रैगन इसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर एलोडी को इस चीज का अंदाजा हो जाता है और वो वापस से भागती हुई सुरंगों के बीच में छुप जाती है। अभी के टाइम पर भी ड्रैगन एलोडी के पीछे था, पर क्योंकि वो एलोडी की जगह पर नहीं पहुंच सकता था इसलिए वो वापस से यहाँ से चला जाता है। तब एलोडी नोटिस करती है कि जिस सुरंग में वो पहुंची है वहाँ पर काफी सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो कि असल में वही लड़कियाँ थी जिनको भी बलि देने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, और अभी तक उनमें से कोई भी बचकर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाया था। और यहाँ पर यही सब सोचती हुई एलोडी अपने जिंदा बचने की उम्मीद को भी खो चुकी थी। तभी अचानक से ही उसकी आंख लग जाती है और उसे काफी सारे विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे वही सारी लड़कियाँ दिख रही थी जो कि कभी यहाँ पर मारी गई थी। और इन्हीं सपनों की वजह से जब वो डर कर उठती है तो वो देखती है कि उसने जो कीड़े पकड़े थे असल में वो सारे के सारे कीड़े उसके घाव के ऊपर चिपक चुके थे। तब एलोडी एक एक कर उन कीड़ों को अपने घाव के ऊपर से हटाने लगती है। तब जाकर इसे पता चलता है कि असल में उन कीड़ों की वजह से उसके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं, जो चीज देखने के बाद एलोडी सच में काफी ज्यादा खुश हुई थी। तभी यहाँ पर इसे एक मैप दिखता है जो कि असल में इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता था, जिसको समझने के बाद एलोडी आगे बढ़ने लगती है और पहुंचती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक हीरे की खदान थी और वहीं ऊपर से सूरज की रोशनी भी आ रही थी। जो चीज देखने के बाद एलोडी समझ जाती है कि उसे किसी भी तरह से यहाँ पर मौजूद चीजों का उपयोग करते हुए ऊपर पहुंचना है जिसके बाद वो फ्री हो जाएगी। तब एलोडी हिम्मत करती हुई वहां पर मौजूद सामान को इकट्ठा करती है जो कि उन्हीं राजकुमारियों का था जो कि कभी यहां पर आकर मारी गई थी। और अब एक क्राउन की मदद से एलोडी ऊपर की तरफ चढ़ी रही थी, तभी अचानक से यहां पर वो ड्रैगन पहुंच जाता है जो कि एलोडी के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा था। लेकिन अभी के टाइम पर एलोडी किसी तरह से बचकर ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचने के बाद जब ये नीचे का नजारा देखती है तो इसे पता चलता है कि असल में वो जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है और अगर ये यहाँ से गिरती है तो ये वैसे ही मारी जाएगी। तभी अचानक से ही एलोडी को यहाँ पर कुछ सिपाही दिखते हैं जो कि इसी गुफा की तरफ आ रहे थे। तब एलोडी उन्हें देखकर नीचे मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से ही यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जो कि अब अपने बार की मदद से एलोडी को जान से मारने वाला था, लेकिन अभी के टाइम पर वो एलोडी को मार पाता। तभी अचानक से उसे किंग एरिक की आवाज आने लगती है जो कि यहाँ पर एलोडी को बचाने के लिए आए हुए थे, जो सुनने के बाद ड्रैगन डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो किंग एरिक को मारेगा, इसीलिए वो उनको मारने के लिए चला जाता है। तब एलोडी भी नीचे की तरफ आती है और गुफा में इधर उधर घूमने लगती है, जहां पर घूमते हुए इसे काफी सारा सोना दिखता है और साथ ही तीन ड्रैगन जिसमें तीन मरे हुए बच्चे पड़े हुए थे, जो देखने के बाद एलोडी समझ जाती है कि असल में सेंचुरीज पहले क्या हुआ होगा। असल में सेंचुरीज पहले जब इस किंगडम के राजा उस ड्रैगन को मारने के लिए इस गुफा के अंदर आए थे तब यहाँ पर उन्हें उस ड्रैगन के तीन अंडे मिले, पर राजा ने उन तीनों अंडों को देखकर अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से उन अंडों को खत्म कर दिया और इसीलिए ड्रैगन ने भी उसके सभी साथियों को मार दिया था। पर जब राजा ने अपने हथियार डाल दिए तो ड्रैगन ने उससे बोला कि उसकी हर पीढ़ी को वही दुख झेलना पड़ेगा जो दुख अभी ड्रैगन ने झेला है, और इसीलिए वो राजा के परिवार की हर पीढ़ी से तीन बेटियों की बलि लेती है। और ये सारी चीजें जानने के बाद एलोडी तुरंत ही भागती हुई उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो ड्रैगन इसके पिता को मारने के लिए गया हुआ था, क्योंकि अब तक एलोडी को ये चीज समझ में आ गई थी कि असल में इस परिवार के लोग ड्रैगन को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग ड्रैगन के पास आए हैं वो असल में उस परिवार के तो थे ही नहीं। और यही सारी चीजें बताने के लिए एलोडी उस ड्रैगन के पास जाने वाली थी, तभी अचानक से ही वो नोटिस करती है कि उस ड्रैगन ने उसके पिता के दो साथियों को पहले ही मार दिया है। तब एरिक किसी तरह से हिम्मत करता हुआ अपनी तलवार लेकर उस ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है और एलोडी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो ड्रैगन एरिक को पकड़ती हुई उससे एलोडी को आवाज देकर बुलाने को बोलती है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि एलोडी आसपास ही छुपी हुई थी। लेकिन एरिक एलोडी को सामने ना आने को बोलता है जिस वजह से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही एरिक को जान से मार देती है। और अब वो एलोडी की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से उसे दूसरी तरफ से आवाज आती है और ड्रैगन उस तरफ चेक करने के लिए चली जाती है, और तब मौका पाकर एलोडी तुरंत ही एरिक के पास पहुंच जाती है ताकि वो उसकी जान को बचा सके। पर यहाँ पर एरिक की जान को बचाना बिल्कुल नामुमकिन था, इसीलिए वो तुरंत ही एरिक से आखिरी अलविदा लेती है और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। और अब एलोडी यहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वापस से ड्रैगन की नजर इस पर पड़ जाती है जो कि इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अभी के टाइम पर एलोडी किसी तरह से उस गुफा से बाहर आ गई थी जहाँ पर इसके ही पिता का घोड़ा खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर बैठने के बाद एलोडी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन अभी भी वो ड्रैगन इसका पीछा कर रहा था। पर अभी के टाइम पर एलोडी किसी तरह से कुछ पत्थर के पीछे छुप जाती है और अपने घोड़े को आगे भगा देती है,
जिसे वो ड्रैगन भी घोड़े का पीछा करते हुए आगे चला जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि एलोडी यहाँ पर नहीं है तो वो गुस्से में उस घोड़े को ही जला देता है। साथ ही उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि एलोडी यहाँ से बचकर भाग गई, इसीलिए वो गुस्से में पूरी पहाड़ी को जलाने लगता है। जिसे जब एरिक की माँ देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जानती थी कि वो ड्रैगन इस गांव को खत्म कर देगा, इसीलिए वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर उस जगह पर जाने लगती है जहां पर अभी भी किंग एरिक की बोट खड़ी हुई थी। जहां पर पहुंचने के बाद अब उसने फ्लोरिया को बंदी बना लिया था ताकि वो फ्लोरिया की बलि ड्रैगन को चढ़ा सके और उसके गुस्से को शांत कर सके, और इसीलिए वो गुस्से में फ्लोरिया को भी उसी खाई में फिकवा देती है जिसमें उसने एलोडी को फिकवाया था। आगे हम लोग एलोडी को वापस से देख पाते हैं जो कि अगले दिन उन पत्थरों के पीछे से निकलती है जहां पर वो ड्रैगन से बचने के लिए छुप गई थी, और अभी ये यहां से बाहर निकली ही थी कि तभी यहां पर अचानक से इसकी स्टेप मॉम पहुंच जाती है जो कि इसे फ्लोरिया के बारे में सब कुछ बताती है। और अब जैसे ही एलोडी को ये बात पता चलती है कि ड्रैगन ने फ्लोरिया को पकड़ रखा होगा तो वो तुरंत ही फ्लोरिया को बचाने के लिए वापस से उस जगह पर जाने लगती है जहां पर से वो अभी निकल कर आई थी। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग ड्रैगन को देख पाते हैं जिसने फ्लोरिया को पकड़ लिया था, और साथ ही उससे ये बात भी पता चल गई थी कि एलोडी और साथ ही फ्लोरिया बहने हैं, और साथ ही ड्रैगन को इस बात पर भी भरोसा था कि एलोडी यहाँ पर फ्लोरिया को बचाने के लिए जरूर आएगी। और अब जैसे ही ड्रैगन को इस चीज का एहसास होता है कि एलोडी यहाँ पर पहुंच गई है तो वो तुरंत ही फ्लोरिया को यहीं पर छोड़कर एलोडी को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में एलोडी की ये सब चाल थी, वो चाहती थी कि वो ड्रैगन फ्लोरिया से दूर हट जाए, और जैसे ही ऐसा होता है एलोडी तुरंत ही फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है। और अब फ्लोरिया जैसे ही एलोडी को अपने पास देखती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तब एलोडी फ्लोरिया को लेकर यहाँ से निकल ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर वो ड्रैगन पहुंच जाती है जिसको पता चल गया था कि एलोडी ने उसको धोखा दिया है। तब एलोडी यहाँ पर ड्रैगन को सभी चीज बताने की कोशिश करने लगती है कि असल में वो फैमिली उसको धोखा दे रही है, लेकिन वो ड्रैगन उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और यहाँ पर एलोडी तब अपनी तलवार उठाती है जिसके बाद वो ड्रैगन की एक आंख को फोड़ देती है, जो चीज देखने के बाद ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो एलोडी के ऊपर अटैक कर देती है। और अब उसने एलोडी को भी पकड़ लिया था, अब वो एलोडी को जान से मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर एलोडी अपनी तलवार को उस ड्रैगन के हाथ में ही घुसा देती है जिससे वो ड्रैगन और ज्यादा जख्मी हो गई थी। पर अभी के टाइम पर भी वो एलोडी को जान से मारने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर एक टेढ़े पत्थर की वजह से ड्रैगन की आग उसके ऊपर ही चली जाती है। और अब क्योंकि एलोडी के पास मौका था कि वो ड्रैगन को सच से रूबरू करवा सके, इसीलिए वो अपने हाथ पर बना वो निशान दिखाती है जो कि हेनरी की माँ ने उसके हाथ पर बनाया था, जो देखने के बाद वो ड्रैगन समझ गई थी कि असल में उसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है, इसीलिए वो यहाँ पर एलोडी से बोलती है कि वो इसको जान से मार दे। लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती, इसकी बजाय वो यहाँ पर काफी सारे बॉम्ब्स को लेकर आती है जो कि जगमगाते थे, जिसके बाद वो ड्रैगन की बॉडी के ऊपर उन सभी बॉम्ब्स को छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेनरी को देख पाते हैं जिसकी शादी एक और लड़की के साथ करवाई जा रही थी ताकि उसी तरह से उसकी भी बलि दी जा सके। तभी यहाँ पर एलोडी पहुंच जाती है जो कि उस लड़की को वहां से भागने को बोलती है, तब वो लड़की भी अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल गई थी। और अब जब रानी और बाकी सब देखते हैं कि एलोडी अभी तक जिंदा है तो वो काफी ज्यादा शौक होते हैं। तब यहाँ पर एलोडी इन लोगों को धमकी देने लगती है कि वो ड्रैगन को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन रानी अभी भी एलोडी और साथ ही उसी ड्रैगन को उल्टा सीधा बोल रही थी। पर इतने में ही यहाँ पर वो ड्रैगन पहुंच जाता है जिसने सब कुछ सुन लिया था, और तब वो यहाँ पर हाथों हाथ ही हेनरी की पूरी फैमिली को जलाकर खत्म कर देता है। और अब इस मूवी के आखिरी सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एलोडी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से जा रही थी, और तब वो ड्रैगन भी इन लोगों के साथ जाने लगता है ताकि वो उनके राज्य में रह सके, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।